वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सबों को। चलिए प्यारे बच्चों, वहाँ पर जैसे जो भी पेड वाले बच्चे लोग हैं, तो देखिए वहाँ पर मैंने टाइम एंड वर्क का बेसिक लेवल वहाँ पर बता दिया था, फिर ऑब्जेक्टिव लेवल भी बता दिया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर लाइव क्लासेस ऐसा चल नहीं रहा है, तो आप लोग वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैं बड़ा वहाँ पर PDF में वहाँ पर भिजवाऊँगा, उनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद वहाँ पर जो जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा बच्चों, उन सभी क्वेश्चन का वहाँ पर सॉल्यूशन किया जाएगा। और वो जो भी वहाँ पर पीछे चैप्टर का जो भी वहाँ पर क्वेश्चन अगर आपका छोटा है, जो भी वहाँ पर आपका डाउट वहाँ पर छोटा है, उन सभी डाउटों को हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन देखिए सामने में यहाँ पर रक्षाबंधन भी है, 15 अगस्त है, पूरे स्टाफ सब छुट्टी में हैं, मैं अकेले हूँ। इसके बावजूद भी मैं वहाँ पर कोशिश में कर रहा हूँ कि नहीं सभी बच्चों को रेगुलर क्लास मिले, ठीक है, एक दिन भी किसी का क्लास मिस ना हो। जहाँ तक मैं कोशिश किया हूँ, जिस दिन से मैं आप लोगों को बोला हूँ, कंप्यूटर थोड़ी ख़राब है, इसके बावजूद मैं लगा हूँ बच्चों, और बिल्कुल आप लोगों को वहाँ पर मैं जो आप लोगों की क्लासेस है बिल्कुल आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। तो आज हम लोग यहाँ पर टाइम एंड वर्क के जो दूसरा सेक्शन होते हैं वो पाइप एंड सिस्टर्न होते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में नल और हौज कहते हैं। आप लोग पानी और टंकी भी इसे कह सकते हैं। इनका कॉन्सेप्ट जो जाएगा, इनका कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट होगा टाइम एंड वर्क का। इनका कॉन्सेप्ट जो होगा वो सेम होगा कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का। मतलब जो वहाँ पर टाइम दिया जाएगा, जो वहाँ पर टाइम दिया जाएगा, सबसे पहले उन टाइम का हम लोग LCM निकालेंगे, और LCM निकालने के बाद वहाँ पर जो LCM होगा वह उस किसी भी टंकी की जो होगी वह कैपेसिटी होगी, वह उस टंकी की क्षमता होगी, ठीक है। जब फिर से देखिए वहाँ पर मैं वर्किंग रूल बताया था टाइम एंड वर्क में। जो बच्चे लोग टाइम एंड वर्क नहीं देखे हैं, और वो देखिए ये वीडियो भी यूट्यूब के माध्यम से बच्चे लोगों के पास मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ और पहुँच रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे लोग वहाँ पर फर्स्ट वाला सेक्शन अगर नहीं देखे, वहाँ टाइम एंड वर्क का जरूर देखेगा, क्योंकि वहाँ पर वर्किंग मेथड मैंने बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वहाँ पर सबसे पहला मेथड मैंने बताया था कि वहाँ पर जो समय दिया गया है, उन दिए गए समय का सबसे पहले हम लोग LCM निकालेंगे। LCM जो होता है वहाँ पर टोटल वर्क होता था, टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क होता था, लेकिन पाइप एंड टंकी में यहाँ पर जो होगा वह LCM जो होगा वह टंकी की कैपेसिटी होगी, टंकी की धारिता होगी, मतलब उस टंकी में इतना पानी आएगा। और फिर दिए गए समय से वहाँ पर टोटल कैपेसिटी को डिवाइड करेंगे, और टोटल कैपेसिटी को डिवाइड करने के बाद वहाँ पर जो होगा वो किसी नल की क्षमता होगी। जो नल भरने वाला होगा उनको हम लोग पॉजिटिव में लिखेंगे, जो नल वहाँ पर निकासी नल होगा उनको हम लोग नेगेटिव में लिखेंगे। ये हम लोग का मास्टर कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो चलिए एकदम ध्यान से देखिएगा, हेडिंग डाल लीजिए पाइप एंड टंकी, और सभी वहाँ पर जो खास कर देखिए, मैं तो यूट्यूब वाले बच्चे लोगों को उतना, मैं सभी बच्चे को बोलता हूँ क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से जा रहा है, तो जो भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए, ठीक है। और जो बच्चे PDF को डाउनलोड नहीं किए हैं, टेलीग्राम पर जाइएगा, प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम पर जाइए, ठीक है। वहाँ पर टेलीग्राम जाने के बाद अपना वीडियो को वहाँ पर, जो आपका वीडियो का वहाँ पर जो PDF है वो पाइप एंड सिस्टर्न का आप लोग निकाल सकते हैं। वही वहाँ पर PDF का क्वेश्चन मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो टाइप नंबर वन में यहाँ पर हम लोग लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। टाइप नंबर वन, सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये बच्चों कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। मतलब ए जो है वो 20 मिनट में भर सकते हैं, दोनों भरने वाला दोनों पॉजिटिव में होगा, और बी 30 मिनट में भर सकते हैं। ये 20 मिनट में भर सकते हैं, ये 30 मिनट में भर सकते हैं। जब दोनों का हम लोग LCM देखेंगे बच्चों, 20 और 30 का जो LCM होगा वह 60 होगा, मतलब टंकी की जो धारिता होगी, टंकी की जो कैपेसिटी होगा वो 60 लीटर है। अगर देखा जाए यहाँ से इनको डिवाइड करेंगे, कहने का मतलब यहाँ पर पहला वाला जो नल है वो 3 लीटर पानी भरता है, और दूसरा वाला जो नल है वह 2 लीटर पानी भरता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए इनकी समय यहाँ पर 20 दिया गया है, 20 मिनट है, इनका 30 मिनट दिया गया है, तो मतलब टोटल यहाँ पर धारिता निकला 60, 20 से 30, 60 को भागा देंगे तो यहाँ पर ये कैपेसिटी होगी। ये यहाँ पर लिख लीजिए, जो बच्चे लोग टाइम एंड वर्क अगर नहीं देखेंगे ध्यान से देखिएगा, ये जो होगा वो समय होगा,
ये जो होगी वह क्षमता होगी, मतलब समझिए टंकी की कुल क्षमता होगी, धारिता हम लोग कह सकते हैं, कैपेसिटी कह सकते हैं टैंक का। और ये जो होगा इंडिविजुअली क्षमता होगी और नल की क्षमता होगी। अब देखा जाए कि यहाँ पर पहला जो नल है उसकी कैपेसिटी यहाँ पर 3 लीटर भरने का है, दूसरा नल जो है उनका कैपेसिटी यहाँ पर 2 लीटर भरने का है। अब सवाल यहाँ पर ये कहता है कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, भाई अगर दोनों पाइप अगर एक साथ अगर खोल देंगे तो 3 लीटर और 2 लीटर अगर देखा जाए तो मतलब एक साथ में वहाँ पर 5 लीटर पानी जाएगा। जब दोनों को एक साथ में खोलेंगे तो 3 लीटर और 2 लीटर 5 लीटर एक साथ में पानी जाएगा, लेकिन टोटल पानी जो भरना है आपको 60 लीटर भरना है। तो यहाँ पर इन कंडीशन में जो समय लगेगा बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो वही टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है, समय इक्वल टू कुल यहाँ पर 60 भरना है और 5 भरा जा रहा है, तो यहाँ पर समय लगेगा बच्चों 12 मिनट, क्योंकि समय यहाँ पर मिनट में दिया गया तो यहाँ पर होगा 12 मिनट। ठीक है, एकदम इसको यहाँ पर एक दूसरे मेथड से बना सकते हैं, वो टाइम एंड वर्क वाला था। अगर ये यहाँ पर 20 में अगर भर रहे हैं और भी यहाँ पर 30 में भर रहे हैं, तो मैंने बताया था कि जब दोनों मिलकर यहाँ पर अगर भरेंगे तो A प्लस B का लगा समय बराबर, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, याद रखे हैं आप लोग टाइम एंड वर्क वाला। क्या मैंने बताया था कि दोनों समय को यहाँ पर गुना कर दीजिए, मतलब 20 गुना 30 कर दीजिए, डिवाइडेड बाय दोनों समय का जो है वहाँ पर प्लस कर दीजिए 50 कर दीजिए, 0 से 0 5 चौक 20, यहाँ पर भी आंसर जो आएगा वो कितना आएगा बच्चों 12 आएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत बच्चों, एकदम आराम से के क्वेश्चन को देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी एकदम आराम से इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में यहाँ पर ये कह रहा है कि दो नल अलग अलग 10 घंटे 15 घंटे में भर सकते हैं, देख के भी कह सकते हैं भाई कि अगर 10 घंटे में भर रहा है 15 घंटे में भर रहा है, 10 × 15 / 25 आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक एक सवाल देखिए पूरा यहाँ पर कितना पेज है मैं देख लेता हूँ, टोटल 7 पेज में क्वेश्चन है जो यहाँ पर टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, टोटल SSC का क्वेश्चन है जो यहाँ पर 2000 से लेके 2018 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ। एक एक सवाल को देखिए, इसके बाद में आपके वहाँ पर और भी अगर क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत होता है और भी अगर किसी लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप लोग वहाँ पर क्वेश्चन अगर बनाते हैं किसी दूसरे किताब से तो आप लोग वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, आपका सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं थोड़ा इसको मिटा लूँ। ठीक है, एकदम ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा तो आराम से बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर यह है बच्चों, दो नल एक हौज को क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर यह है कि भाई अगर दो नल है ये 3 घंटे में भरेगा और ये 4 घंटे में भरेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर यह है कि सी एक निकासी नल है जो 2 घंटे में खाली करता है, जो वहाँ पर खाली करने वाला होगा आप उनको नेगेटिव में लीजिएगा, जो बच्चों वहाँ पर खाली करने वाला होगा उनको नेगेटिव में लीजिएगा, जो भरने वाला होगा वो तो पॉजिटिव में होगा, और पॉजिटिव लिखने का मतलब नहीं पॉजिटिव साइलेंट रहता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों भरने वाले हैं दोनों को पॉजिटिव में लिखे हैं, ये खाली करने वाले हैं इनको माइनस में लिखे हैं। अब 3, 4, 2 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर टोटल जो टंकी की धारिता होगी वो मान लीजिए 12 लीटर होगा, 3 × 12 इनकी क्षमता होगी 4, 4 × 12 इनकी क्षमता होगी 3, लेकिन 2 × 12 यहाँ पर निकालने की क्षमता होगी वो भी होगी 6। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि यदि तीनों नल खोल दिए जाएं, जब इन कंडीशन में हम लोग तीनों नल को खोल देंगे जिसमें 2 नल भरने वाले हैं मतलब ये 4 लीटर या 3 लीटर अगर भरा जा रहा है, 7 लीटर टंकी में पना मतलब पानी भरा जा रहा है और 6 लीटर यहाँ पर निकल रहा है, इस बात को ध्यान से यहाँ पर देखना है, क्योंकि 4 लीटर और 3 लीटर जब भरा जाएगा मतलब 7 लीटर टंकी में पानी भरा जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक तीसरा नल जो है वो 6 लीटर पानी निकासी कर देता है निकाल देता है, मतलब 7 लीटर भरा जा रहा है 6 लीटर निकल रहा है, तो टंकी में जो पानी जा रहा है वो मात्र 1 लीटर ही जा रहा है। क्या इस बात से आप समर्थ हैं कि नहीं बताइए,
तो यहाँ पर टंकी में जब एक लीटर पानी जा रहा है तो इन कंडीशन में क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि तीनों नल, जब तीनों नल को एक साथ खोलेंगे तो रिजल्ट यहाँ पर ये बनता है कि एक लीटर टंकी में पानी जा रहा है। तो टोटल यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि वहाँ पर पूरे हौज को भरने में कितना समय लगेगा, इन कंडीशन में जब यहाँ पर एक लीटर पानी जा रहा है और टोटल अगर 12 लीटर अगर वहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर हम लोग समय इक्वल टू लिख सकते हैं भाई कि अगर यह स्थिति अगर बना रहा, तीनों नल अगर एक साथ खुला रहा तो 12 भागा एक करेंगे क्योंकि तीनों नल के बाद रिजल्ट जो जाता है वो एक लीटर ही जाता है, तो यहाँ पर समय जो लगेगा किस में दिया है घंटे में, तो इनका आंसर होगा 12 घंटा। ठीक है, एकदम आराम से एक एक सवाल को इतनी एकदम इज्जत से समझिए, इतनी अंदर घुस तक समझिए कि क्वेश्चन को आगे जाकर तक और बड़े बड़े क्वेश्चन को एकदम डायरेक्टली वहां पर बाहुबली का तलवार मारेंगे जो डायरेक्टली आंसर हम लोग को देगा। एकदम ध्यान से देखना है क्वेश्चन नंबर फोर यहां पर यह है बच्चों, दो नलियां पी तथा क्यू टंकी को 20 मिनटों में भर सकती हैं। दो नलियां वहां पर P और Q यहाँ पर है जो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 20 मिनटों में भरती हैं, लेकिन क्वेश्चन कहता है P अकेली वहाँ पर 30 मिनटों में भरती हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि P और Q वहाँ पर 20 मिनटों में भरती हैं लेकिन अकेला P वहाँ पर 30 मिनटों में भरती हैं। टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट आया कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करेंगे जबकि ए अकेला 30 दिन में करेंगे तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में, सेम कॉन्सेप्ट वही है, केवल वहां पर आदमी था, यहां पर पानी और टंकी आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। एकदम क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और जो वहां पर मैं बार बार बोल रहा हूं, जो निकासी नल है केवल वहां पर नेगेटिव करना है, टाइम एंड वर्क में वहां पर नेगेटिव करने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि वहां पर सब लोग काम करने वाले थे, तो यहां पर नेगेटिव उनको करना है जो निकासी नल होगा। अब देखिए कि 20 और 30 का जो एलसीएम लेंगे वह 60 होगा, दैट मीन्स टंकी की जो कैपेसिटी होगी, टंकी की जो धारिता होगी, टंकी की जो क्षमता होगी वह 60 होगा, 20 या 60। यहां पर देखा जाए कि पी और क्यू जब वहां पर काम करेंगे तो वहां पर टंकी में 3 लीटर पानी जाता है, लेकिन जब पी अकेला काम करेगा तो यहां पर 2 लीटर पानी जाता है। जब P और Q वहां पर लगेंगे तो वहां पर 3 लीटर पानी जाएगा, लेकिन जब यहां पर देखा जाए कि P अकेला वहां पर भरेंगे तो 2 लीटर भरेगा। क्वेश्चन कहता कि Q अकेला उस टंकी को कितने देर में भरेंगे, तो यहां पर देखिए मुझे खुद बताइए, वही टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर P और Q मिलकर अगर वहां पर 3 लीटर पानी भर रहे हैं, वहां पर याद रखते ना लड्डू खिलाने वाला मैंने बोला था या तो मछली पकड़ने वाला बोला था, वही कॉन्सेप्ट यहां पर है कि यहां पर 3 लीटर पी और क्यू अगर भरते हैं तो इन कंडीशन में पी अगर यहां पर 2 भरेंगे तो क्यू यहां पर 1 भरता है। ठीक है, अगर क्यू वहां पर 1 भरेगा, क्वेश्चन इज से दैट तदनुसार क्यू अकेले उस टंकी को कितने देर में भरेंगे, तो क्यू का जो समय होगा, क्यू का जो टाइम होगा, टंकी है 60 लीटर का, इनकी क्षमता है 1 लीटर भरने का, तो इनको समय जो लगेगा वह 60 मिनट लगेगा अगर मिनट में दिया गया, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एकदम सभी क्वेश्चन एकदम लाजवाब तरीके से देखिए, एकदम मजे से देखिए बच्चों, एक भी सवाल कहीं भी आपका छूटेगा नहीं, एकदम मजे से देखते चलिए और अगर अच्छा लगे ठीक है। देखिए ये वीडियो भी YouTube पर आ रहे हैं, जो भी बच्चे लोग, मैं YouTube भी इस तरह में पढ़ाया हूँ, ऐसा नहीं है, आप कभी भी शिकायत नहीं कर सकते कि सर YouTube में आपने इस तरह क्वेश्चन मुझे नहीं पढ़ाया। देखिए ये पेड बैच का क्लास है, पेड में वहाँ पर ये नहीं कि मैं अधिक एनर्जी लगा दे रहा हूँ, YouTube पर भी यही एनर्जी लगाया हूँ, आप वहाँ पर ढूंढ कर देख लीजिए पाइप एंड टंकी का वीडियो को, सेम क्वेश्चन होगा, सेम कॉन्सेप्ट होगा, सेम लॉजिक होगा, सेम एनर्जी भी है, डोंट वरी, बस सिलेक्शन लेना। केवल यहाँ पर क्या कि एक एक क्वेश्चन को हम लोग शिद्दत से लेके चलते हैं, जो पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है और तो जो वहाँ पर नए नए क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर वीडियो 20 मिनट जाते थे, यहाँ पर वीडियो 1 घंटा 10 मिनट के जाते हैं, ये बात है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फाइव में बताऊंगा, उसके बाद मैं एक गिलास पानी पीऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर ये बच्चों, एक पाइप एक टैंक को x घंटे में भर सकता है,
एक पाइप है जो किसी टंकी को एक्स घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप उसे वाई घंटे में खाली कर सकता है। वे दोनों पाइप मिलकर उसे कितने समय में भर सकते हैं जब वाई इज ग्रेटर देन एक्स, मतलब वाई बड़ा है एक्स से। भाई एक्स है भरने वाला, आप हो भरने वाले, वाई हो निकालने वाले, वाई निकलेगा। एक्स वाई का एलसीएम, ये भरने वाला है भैया, ये निकालने वाले हैं। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर टोटल जो टंकी की कैपेसिटी होगी वह एक्स वाई होगा। जब एक्स से डिवाइड करेंगे, वाई यहाँ पर है, वाई क्वेश्चन कहता है कि वाई इज ग्रेटर देन एक्स, मतलब वाई बड़ा होगा, मतलब ये भरने वाला है। वाई से डिवाइड करेंगे टोटल को तो यहाँ पर ये होगा खाली करने वाला, मतलब टोटल। इन कंडीशन में जब दोनों नल को खोलेंगे तो यहाँ पर टंकी में जो पानी जाएगा वो वाई एक्स ही जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि वाई बड़ा है एक्स से, वाई बड़ा है एक्स से। तो यहाँ पर वाई अधिक भर रहा है, खाली हो रहा है यहाँ पर एक्स, तो यहाँ पर जो टंकी में पानी जा रहा है वो वाई माइनस एक्स जा रहा है। और टोटल यहाँ पर टंकी की कैपेसिटी दिया गया बच्चों कि एक्स वाई है, तो टोटल यहाँ पर जो समय लगेगा, टोटल यहाँ पर जो समय लगेगा वो टोटल अगर धारिता एक्स वाई है तो टोटल इन कंडीशन में वाई माइनस एक्स होगा। दैट मीन्स योर ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, आपका सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा जो आपका पीडीएफ का क्वेश्चन है। बच्चों एक एक सवाल बना लो, कहीं से भी एक भी क्वेश्चन, 95% ये एक ऐसा सर गारंटी लेते हैं कि कहीं से भी अगर कोई भी एग्जाम ऐसा से सीजीएल हो, मेंस हो, कहीं से कुछ भी अगर एग्जाम अगर देते हैं, 95% अगर क्वेश्चन अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर नहीं आएगा उसका पूरा जिम्मेदार मैं, डाटा की गारंटी नहीं लेता हूं बट कॉन्सेप्ट की गारंटी लेता हूं कि इस कॉन्सेप्ट से बाहर अगर एक भी अगर सवाल गया इसका फुल एंड फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं हूं। क्योंकि आप जितना देर पढ़ते हैं बच्चों, मैं 15 घंटा अगर एवरीडे पढ़ाता हूं तो मैं क्वेश्चन के बीच में ही खेलता हूं, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम के अपडेट क्वेश्चन को मेरे दिमाग में रखता हूं, कहीं से भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, मेंस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे और एकदम मजे से देखेंगे, ठीक है, एकदम ध्यान से रखिएगा। कुछ बच्चे लोग यहाँ पर, एक दो बच्चे ऐसे हैं ना, मैं मजाक बना रहे हैं, सर पेड बैच लेके आए हैं कमाने का एक नया जरिया। अरे बच्चा, आप मेरा क्लास लोगे तो आपको 7,500 फीस जमा करनी पड़ती है, मैं आपके घर बैठे मैं 2100 रुपये में ये चीज़ दे रहा हूँ। क्यों? वनली फोर, मुझे चाहिए वहाँ पर सिलेक्शंस। हमारे आनंद सर ने जब अपनी कोचिंग स्टार्ट की थी तो वहाँ पर फीस के लिए वो नहीं मरे थे, आज लाखों लाख रुपए देके सर के पास पढ़ने के लिए जाते हैं बिहार में, आनंद सर के पास सुपर 30। तो वो क्यों है? उन्होंने मेहनत किया है। मैं भी चाहता हूँ कि इस तरह मेहनत में आपके बीच में करूँ और मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझसे आपके ऊपर भी पूरी उम्मीद है कि आप सिलेक्शन देंगे। हर कुछ इनकम नहीं होता बच्चों, अगर इनकम होता तो मैं आप वहाँ पर जो मेरा स्पेशल जो कोचिंग की फीस होती वही मैं रखता, लेकिन मैं कभी वो उस बात को नहीं सोचा, ये कभी बिजनेस नहीं है। जो भी टीचर अगर इस तरह अगर मेहनत से जो टीचर पढ़ाते हैं उनके ऊपर विश्वास करो, चाहे वो कोई भी टीचर हो, आप हमको फॉलो करो या ना करो, किसी भी टीचर को अगर दिल से अगर फॉलो करते हो उनको पूरा दिल से फॉलो करो, क्योंकि वो आपका भविष्य बना सकते हैं, ठीक है। मैं भी अगर वहाँ पर जो बच्चे लोग मेरे पर विश्वास करते हैं उनको मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप अगर किसी भगवान पे ऊपर विश्वास करते हैं तो उनको क्यों कहते हैं, उनके पास क्यों जाते हैं, क्योंकि वो मेरी बात को सुन सकें। आप मेरे पास आए हैं तो मैं पूरी से पूरी आपकी बात को मैं समझता हूँ बिल्कुल, और मैं उस तरह में काम कर रहा हूँ बिल्कुल, लगे रहिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर छठवां तो बहुत अधिक आसान है बच्चों, क्वेश्चन नंबर छठवां यहाँ पर ये है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, क्या बात है? अगर यहां पर यह टंकी का फिगर मैंने बना दिया, थोड़ा फिगर मैं इसी तरह बनाता हूं चलो, लेकिन हर बार मेरी आदत है इसी तरह बना के थोड़ा यहां पर आके इधर घुमा ही देता हूं मैं, ठीक है, आप समझना सीधा, क्योंकि मेरी आदत बन गई है सालों से। तो यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, दैट मीन्स इफ ई टैंक फिल्ड 1/3 देन कैपेसिटी ऑफ टैंक
इज 80। अगर 1/3 भाग भरा है तो टंकी में 80 लीटर पानी आता है। घर वाला लैंग्वेज मत यूज कीजिएगा कि वहाँ पर ये पानी आता है मतलब अब बचा है। अगर 1/3 भाग भरा है मतलब टंकी में 1/3 भाग जब हम लोग भर देते हैं तो टंकी में 80 लीटर पानी भर गया है। दैट मीन्स ये ग्राफ जो कह रहा है टोटल टैंक यहाँ पर दिया गया है, टोटल टैंक का 1/3 पार्ट है और 1/3 पार्ट इज से दैट 80 लीटर। 1/3 जो है वो 80 लीटर यहाँ पर है। क्वेश्चन कहता है अगर टोटल अगर टैंक की अगर कैपेसिटी निकाला जाए तो यहाँ पर 3 को इससे मल्टीप्लाइड कर देंगे, 80 × 3 होगा। दैट मीन्स यहाँ पर टोटल टैंक की जो कैपेसिटी होगी वह 240 लीटर होगा, 240 लीटर टैंक की कैपेसिटी होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन इज से दैट तो उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना लीटर पानी आएगा। अब आपने खुद यहाँ पर क्वेश्चन में फाइंड कर चुका है कि टोटल टैंक की जो कैपेसिटी है वो 240 लीटर है। टोटल टैंक की कैपेसिटी 240 लीटर है बच्चों, तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि उसके आधे भरे होने पर, अगर टोटल टैंक यहाँ पर मेरी फिगर को ध्यान से देखें, एक भी बच्चे का कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है अगर उनका कॉन्सेप्ट अगर पूरा यहाँ पर क्लियर है तो। ये फुल कैपेसिटी ऑफ एनी टैंक इज 240 लीटर, देन द हाफ कैपेसिटी ऑफ टैंक। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि आधा भरे होने पर हाफ अगर यहाँ पर निकालेंगे तो इन कंडीशन में 240 का अगर हाफ होगा बच्चों तो वह 120 लीटर होगा। कितना होगा? 120 लीटर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरह है, क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरह है, क्वेश्चन नंबर 9 और 5 समान है, क्वेश्चन नंबर 9 और 5 एकदम इक्वल है बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं ध्यान से, एकदम एक एक सवाल को एकदम ध्यान से देखिए, बहुत ही शिद्दत से देखिए, बहुत ही इज्जत से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन को आप अगर इज्जत दोगे, सम्मान दोगे, क्वेश्चन को इज्जत देके समझोगे, सॉल्यूशन भी बहुत मजेदार होगा, सॉल्यूशन भी बहुत लाजवाब होगा, है ना। तो सभी बच्चे लोग वहां पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को एट फर्स्ट सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया फिर उनका सॉल्यूशन तो आप खुद ही निकाल सकते हैं, क्योंकि तरीका आपको इतना जानदार मैं पहले से बता चुका हूं, आपके पास तरीका इतना जबरदस्त लाजवाब पहले तरीके से आ चुका है, दैट मीन्स आपको वहां पर बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर यह बच्चों कि यहां पर एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। क्या लाजवाब क्वेश्चन आया भाई, शुरू से भरने वाला आया लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर पहला जो आया वो कट करने वाला आया, मतलब खाली करने वाला आया। पहला नल यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि 30 मिनट में खाली होता है, 30 मिनट में खाली होता है पहला नल, और दूसरा नल उसे 45 मिनट में वहाँ पर कहते हैं खाली करते हैं। वाह, दोनों यहाँ पर नल खाली करने वाले ही आ गए हैं, लगता है कि घर में शादी का प्रोग्राम है जिस कारण से वहाँ पर दोनों नल को खोला गया है, क्योंकि दोनों नल तभी वहाँ पर इम्पिटेड होगा, टैंकर में आया है एक नल, वहाँ पर ये खाली कर रहे हैं ये भी खाली कर रहा है, मतलब वहां पर पानी की अधिक खपत है, भरने वाला बंदा यहां पर कोई नहीं है। जाहिर सी बात है, लगता है कि यहां पर कहता है कि टैंकर कितने देर में खाली हो जाएगा। देखते हैं यदि दोनों नल साथ साथ खोल दिए जाएं तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा, मतलब वहां पर पार्टी चल रहा है, एकदम सब लोग खाना खा के निकल रहे हैं, सब लोग वहां पर पानी टैंक वाले खोले हैं, तो देखा जाए भाई कि 30 और 45 का जब एलसीएम लेंगे मतलब वह टैंक में 90 लीटर पानी है, पहला नल जब खोल रहा है तो यहाँ पर मिनट में दिया गया मतलब एक मिनट में यहाँ पर 3 लीटर पानी निकल रहा है, इस नल के द्वारा वहाँ पर 2 लीटर पानी निकल रहा है ना। अगर इस नल के द्वारा 3 लीटर निकल रहा है, इस नल के द्वारा 2 लीटर निकल रहा है, दोनों नलों के द्वारा प्यारे बच्चों जब यहाँ पर खोला जाएगा तो टोटल वहाँ पर 5 लीटर पानी निकल रहा है, वो कितने, एक मिनट में।
वो टोटल 5 लीटर पानी निकल रहा है, वह 1 मिनट में निकल रहा है। अब क्वेश्चन कहता है टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा, वह टैंक की कैपेसिटी 90 लीटर है और 1 मिनट में 5 लीटर पानी निकल रहा है, तो यहाँ पर खाली होने में समय जो लगेगा, खाली करने में लगा समय, फिर मैं थोड़ा ब्रेक लेंगे बच्चों, खाली करने में लगा समय, क्योंकि थोड़ा मार्कर भी चिल्ला रहा है, इसको भी पानी पिलाना पड़ेगा, ठीक है, इंक डालना पड़ेगा क्योंकि इंक इसमें ख़त्म हो गया है। 90/5 अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आंसर होगा 18 मिनट में वह हमारी जो टंकी होगी वह खाली हो जाएगा। लाजवा बच्चों, अगर आप लोगों को YouTube वाले बच्चे देख रहे होंगे, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर बेस्ट नहीं, सुपर टू दी बेस्ट, गुड तो कहना ही नहीं है, बेटर कहना नहीं है, बेस्ट कहना, टू दी बेस्ट अगर है तो आप लोग वहाँ पर वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे, मेरी भी उत्साह बढ़ी रहेगी, ठीक है। चलिए बच्चों, मैं तुरंत थोड़ा एक क्लिक के बाद में थोड़ा सा 2 से 3 मिनट में, आपको तो वहाँ पर रेस्ट पता नहीं चलेगा क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं अगर रेस्ट लूँगा भी तो आपको पता नहीं चलेगा कि सर रेस्ट लिए हैं, लेकिन मैं रेस्ट में थोड़ा 2 मिनट से 3 मिनट में जाता हूँ, ठीक है। तब तक मैं वीडियो भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अकेले देखिए अकेले स्टूडियो में शूट भी करता हूँ, सब कुछ करना पड़ रहा है, बस एडिट में नहीं करता, एडिट हमारे ऑपरेटर करते हैं, अब उनको भी घर जाना है, रक्षाबंधन है, तो समझिए उनको रात भर उनको भी जगना पड़ेगा, तभी यहाँ पर ये वीडियो एडिट हो पाएगा। अभी देखिए आपको मैं सच्ची बता रहा हूँ, आज 13 तारीख है ना, अभी देखिए 7:40 हुआ, 12 बजे तक मैं शूट करूँगा, ठीक है, वो वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग का अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, एकदम ध्यान से देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोगों को मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने यहाँ पर बताया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देखिएगा कि एक नल किसी टंकी को पानी से 3 घंटे में खाली कर सकता है, भर सकता है। यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत हुआ है, आप लोग देखिएगा, एक नल किसी टंकी को पानी से 3 घंटों में भर सकता है, टंकी में छेद होने के कारण उसे भरने में 3.5 घंटा लगता है। क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि वह 3 घंटे में भर जाता है, अगर वहाँ पर वह भरने वाला नल होता, अगर यहाँ पर यह नल भरने वाला होता, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, अगर वहाँ पर भरने वाला नल होता तो वहाँ पर 3 घंटे में भर जाता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि भरने वाले के साथ अगर एक निकासी नल भी अगर वहाँ पर है, मतलब एक खाली करने वाला नल है, तब जाके वहाँ पे 3.5 घंटे में भर रहा है, तो 3.5 घंटे को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 7/2। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब केवल भरने वाला होता तो 3 घंटे में भर देता, लेकिन वहाँ पर भरने वाले के साथ अगर यहाँ पर एक निकासी नल को भी खोल दिया जाता है तब वहाँ पर 3.5 घंटे में भर रहा है। 3 और 7 का अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर होगा 21। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, यहाँ पर 21 अगर है, इनको इंक पिलाया हूँ तब भी यहाँ पर देखता हूँ कि ये भी आवाज़ कर रहा है, और इसको लगता है कि यहाँ पर डालना पड़ेगा, यहाँ पर इनकी क्षमता जो होगी वह 7 होगी, और अगर यहाँ से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 7 से अगर इसको भागा देंगे तो यहाँ पर 7 या 21 होगा, लेकिन 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 6 होगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है बच्चों, यहाँ पर भी टंकी भरा जा रहा है, यहाँ पर टंकी देखिए, एक में फिगर यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ये मैं पहले बता चुका हूँ, अगर केवल यहाँ पर ये नल रहता तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 लीटर पानी जाएगा, लेकिन ये नल के साथ अगर यहाँ पर ये भी नल अगर खोल दिया जाता तो यहाँ पर टंकी में 6 लीटर ही पानी जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यह जो निकासी नल है वह 1 लीटर पानी निकासी कर देता है, 1 लीटर निकाल देता है, है ना। अगर यहाँ पर ये 7 लीटर भर रहा है भैया, जब ये भी खुला है और ये भी खुला है
तो टंकी में 6 लीटर पानी जा रहा है, तो यहाँ पर निकासी जो है वह 1 लीटर निकासी नल है, मतलब माइनस बी की जो कैपेसिटी है, माइनस बी की जो कैपेसिटी है वह 1 लीटर निकालने का है, 1 लीटर वह निकाल देता है। अगर टोटल वहाँ पर 21 लीटर यहाँ पर दिया गया कि भाई अगर टोटल अगर 21 लीटर है, उसको निकालने में जो समय, मतलब निकासी नल के द्वारा, निकासी नल के द्वारा लगा समय, टोटल अगर 21 लीटर निकालेगा उनकी कैपेसिटी 1 होगी, टोटल वहाँ पर जो आंसर होगा बच्चों 21 घंटे होंगे। ठीक है, एकदम तुरंत स्क्रीनशॉट आउट लीजिए फटाफट, तब तक मैं एसी का टेम्परेचर बढ़ा दूँ। ठीक है, बहुत ठंडी लग रही है, पहले समस्या थी गर्मी की, अब समस्या है ठंडी की। परफेक्ट है बच्चों, एकदम सब कुछ परफेक्ट है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 12, एकदम सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए आपको यहाँ पर दोबारा और क्लियर होगा, जल्दी स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर ये कह रहा है कि एक नल टंकी को पानी से 2 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने से पानी के रिसने के कारण टंकी 2 सही 1/3 घंटे में भरती है। मतलब यहाँ पर अगर भरने वाला है तो वह 2 घंटे में भर देता है, लेकिन भरने वाले के साथ अगर एक निकासी नल को भी खोल दिया जाता है, ये वहाँ पर निकासी नल है, माइनस लगा दिया हूँ, तो वहाँ पर 2 सही 1/2 अगर कहा जाए, 3 × 2 = 6 = 7/3 होगा। मैंने आप लोगों को एलसीएम लेने का तरीका बताया कि कुछ भी नहीं देखना कि हम लोग को 2 और 7 का जो एलसीएम होगा वो 14 होगा। यहाँ पर देखेंगे 2 × 14, यहाँ पर यह 7 लीटर पानी भरेगा, लेकिन यहाँ पर 7 × 14 होगा, लेकिन 3 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर 7/3 से अगर 14 को भागा देंगे तो यहाँ पर 6 जाएगा। अब यहाँ पर यही यहाँ पर देखिए, सेम यही यहाँ पर है, एकदम सेम यही कॉन्सेप्ट है। इधर भूल जाइए कि ये मेरा कोई क्वेश्चन है, इधर भूल जाइए, ठीक है, इधर भूल जाइए, सेम यही फिगर एकदम सेम वहाँ पर है, इसलिए मैं वहाँ पर जानबूझ के हाथ से ही मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि उधर मैं जाऊँ डस्टर लेके आऊँ। ठीक है, सेम यही फिगर यहाँ पर बनेगा। कहने का मतलब भरने वाला जो है वहाँ पर 7 लीटर पानी भर रहा है, लेकिन वहाँ पर जो जब भरने वाले के साथ जब निकासी नल अगर वहाँ पर खुला है तो टंकी में 6 लीटर पानी जा रहा है। इस बात से स्पष्ट है कि जो निकासी नल जो है वह वहाँ पर 1 लीटर पानी निकासी करते हैं, तभी वहाँ पर 6 लीटर पानी जा रहा है। अगर 5 होता तो वहाँ पर 2 लीटर पानी निकालता, 4 होता तो 3 लीटर पानी निकालता, लेकिन वहाँ पर 6 है, दैट मीन्स इस बात का स्पष्ट है बच्चों कि यहाँ पर जो निकासी नल की जो कैपेसिटी है, जो माइनस बी की जो कैपेसिटी है, इनकी जो निकालने की जो क्षमता है वह 1 लीटर है। और जब वो 1 लीटर निकालेंगे तो टोटल इनको निकालने में समय जो लगेगा वह यहाँ पर जो कैपेसिटी वह 14 लीटर है, और जब वह 1 लीटर करके निकालेंगे तो 14 लीटर को देखा जाए कि यहाँ पर जो आंसर होगा बच्चों वह 14 घंटा होगा, ये इसका आंसर होगा 14 घंटा। ठीक है, एकदम ध्यान से के क्वेश्चन को देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों ने देखा बच्चों, एक एक सवाल को एकदम ध्यान से देखते चलिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग से आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि एक कुंड का 3/5 भाग 1 मिनट में भरा जा सकता है, शेष कुंड कितना है। एकदम ये बिल्कुल आसान है कि भाई अगर एक कुंड 3/5 भाग 1 मिनट में भरा जाएगा तो एकदम बिल्कुल आसान है कि 2/5 भाग कितने भाग में भरा जाएगा, आराम से इसको निकाल सकते हैं, इसको बताने का कोई मतलब है नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते बच्चों, टाइप नंबर 2 आपका, टाइप नंबर 2 यहाँ पर स्टार्ट होता है, और टाइप नंबर 2 में सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है बच्चों, टाइप नंबर 2 में सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है
एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है और ये और टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। एकदम आसान सवाल है भाई, ए 5 घंटे में भरेगा, बी जो है वो 4 घंटे में खाली करेगा, खाली करने वाला है। लीजिए तुरंत चार, 5 4 का एलसीएम होगा, टंकी की कैपेसिटी 20 होगी, यहाँ पर ये 4 भरेंगे लेकिन यहाँ पर ये 5 क्या करेंगे, खाली करेंगे। दैट मीन्स इन कंडीशन में देखा जाए, यदि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है तो दोनों पाइप अगर खोल दिया जाए तो कितने समय में खाली होगा। जाहिर सी बात है कि भाई अगर 4 भर रहे हैं 5 खाली हो रहा है, 4 लीटर पानी वहाँ पर भरा जा रहा है लेकिन यहाँ पर 5 लीटर पानी निकल रहा है। अगर 4 लीटर पानी भरा जा रहा है 5 लीटर पानी निकल रहा है, मतलब इन कंडीशन में देखा जाए जब दोनों को अगर खोलेंगे तो 4 भरेगा 5 निकलेगा, तो इन कंडीशन में टंकी से 1 लीटर पानी तो बाहर ही निकलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि टोटल अगर निकलना है, टोटल अगर टंकी पूरी तरह से भरी हुई है 20 लीटर अगर भरी है और अगर वह 1 के क्षमता से अगर निकलेगा तो वहाँ पर जो निकलने में जो समय लगेगा वह कितना होगा, 20 घंटा होगा। बच्चों कितना होगा, 20 घंटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, लाजवाब सवाल है क्वेश्चन नंबर दूसरा, एकदम जिसे बोलते हैं धांसू क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है। दो पाइप ए और बी क्रमशः 37 / 1/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप यहाँ पर भरने वाले हैं, पहला पाइप यहाँ पर देखा जाए कि 37 / 1/2 मिनट में वहाँ पर भरते हैं। अगर देखा जाए, डरने का मतलब नहीं है, फ्रैक्शन यहाँ पर दिया है मतलब डरिए मत, 37 / 1/2 है मतलब यहाँ पर 2 से 37 को मल्टीप्लाई करेंगे 74 74 यदि होगा 75, तो 37 / 1/2 को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 75/2, मतलब इनकी जो समय है वो 75/2 है और दूसरी की समय जो है वो 45 है। एकदम सभी बच्चे लोग डर जाते हैं कि यार इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, मैं तो इनका डायरेक्टली एलसीएम बोलूंगा कि 75 से 75 = 225 और 45 × 5 = 225 होगा। लेकिन अगर आप लोगों को एलसीएम निकालने में अगर दिक्कत होता तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं 15 से, ये 2 को मत देखिए, 15 से इसको काटें तो 15 × 5 = 75 15 × 3 = 45, 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पर कितना होगा 15, और आपने काटा था 15 से तो यहाँ पर होगा 15 × 15, मतलब टोटल जो एलसीएम होगा 15 × 15 = 225 होगा। जब 75 से हम लोग इसको भागा देंगे तो यहाँ पर 5 बार में लगेगा बच्चों, ध्यान से देखिए, 3 बार में लगेगा, और 75 से जब इसको भागा देंगे 3 बार में लगेगा, 2 ऊपर वहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे मतलब यहाँ पर जो इसका एलसीएम होगा वो मतलब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6 होगा, और यहाँ पर 45 से 225 को अगर भागा देंगे बच्चों तो यहाँ पर जो इनकी कैपेसिटी निकलेगी वो कितना होगा, 5 होगा। मतलब पहले नल का जो कैपेसिटी है वो 6 लीटर भरने का है लेकिन दूसरे नल का जो कैपेसिटी वो 5 लीटर भरने का है। अब यहाँ पर क्वेश्चन इस बात को कह रहा है बच्चों कि दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, मतलब दोनों पाइप को अगर हम लोग खोल दें, मतलब दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद वहां पे बंद कर देना होगा, यही क्वेश्चन का सबसे बड़ा जान है। कि मान लीजिए दोनों को अगर हम लोग खोल दिए, अगर दोनों को अगर हम लोग खोल दिए तो दोनों को खोलने के बाद वहां पर क्वेश्चन ये कहता है कि टंकी को ठीक आधे घंटे में भरना है, मतलब आधा घंटा में टंकी भरेगा, तो बी को कितने समय बाद वहां पर ऑफ करना पड़ेगा, मतलब बी को हमको ऑफ करना पड़ेगा कितने समय बाद, लेकिन इस बात का कभी वहां पर जिक्र नहीं है कि टंकी को मतलब नल ए को कभी बंद किया जाएगा। मतलब पूरे अगर 30 मिनट में भर रहा है, मतलब पूरा वहां से 30 से 30 मिनट में टंकी ए जो है वो कंटिन्यू चालू रहेगा लेकिन बंद जो होगा वो बी होंगे। तो कंटिन्यू अगर वहाँ पर ये 30 मिनट तक चालू रहेंगे और 1 मिनट में अगर 6 लीटर पानी भरते हैं तो 30 मिनट में देखा जाए कि या 180 लीटर पानी भर देंगे,
वो टोटल यहाँ पर 225 लीटर है, अगर इनमें से अगर 180 लीटर वहाँ पर 30 मिनट में हमारा ये ने भर दिया है, तो शेष बचा है कि 225 में से जब हम लोग 180 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 45 लीटर यहाँ पर शेष बच रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर पूरे 30 मिनट तक जब हम लोग यहाँ पर अगर कंटिन्यू अगर चलाएंगे, जिसमें अगर ए कंटिन्यू है बी बीच में ऑफ है, तो यहाँ पर ये जब कंटिन्यू अगर 30 मिनट तक है तो 30 मिनट तक 180 लीटर पानी ये भरेंगे तो वहाँ पर शेष बच रहा है 45 लीटर, जिनको भरेगा तो जाहिर सी बात वो कौन भरेगा, वह बी ही भरेगा। जब वह बी भरेगा तो बी की क्षमता वहाँ पर 5 है, तो इन कंडीशन में 5 से अगर डिवाइड कर दिया जाए 45 को तो यहाँ पर मिलेगा 9, मतलब 9 मिनट तक उनको चलाया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि बी को कितने समय बाद बंद कर देना होगा, मतलब 9 मिनट चलाने के बाद उनको आप बंद कर दीजिएगा, तभी यह कंडीशन होगा कि 30 मिनट में टंकी भरेगी, क्योंकि 30 मिनट तक कंटिन्यू यहाँ पर ये चला है और ये यहाँ पर 180 लीटर पानी भरा है, तो टोटल 225 में अगर 180 लीटर यहाँ पर ये 30 मिनट में भरे हैं, शेष टंकी की वहाँ पर जो क्षमता बची वो 45 है, उनको जो भरेगा वो कौन भरेंगे, बी भरेंगे, तो बी को 5 से अगर डिवाइड करेंगे वहाँ पर 9 मिनट, मतलब वहाँ पर बी को 9 मिनट तक हम लोग को चलाना पड़ेगा इन कंडीशन में, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, एकदम ध्यान से एक एक सवाल को एकदम मजे से देखिएगा। टाइप नंबर 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं बच्चों, एकदम ध्यान से देखिए, कहीं से भी एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, आप कहीं से भी पूरी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिला लीजिए, मैं सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग जानते हैं ना किरण वाली इतनी बड़ी मोटी बुक आती है ना लाल वाली, उनसे कहीं से भी एक भी क्वेश्चन मिला लो, कहीं भी अगर एक भी क्वेश्चन अगर दिक्कत है तो मुझे बताना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 पंप एक पूरे भरे हुए जलाशय को 15 दिन में खाली कर सकते हैं, ऐसे ही कितने पंप 9 घंटे। ये बहुत आसान सवाल है, इसको बनाने का कोई मतलब है नहीं, बस वही कामों की तुलना के आधार पे है, पहला वाक्य गुणनफल इंटू दूसरा वाक्य गुणनफल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 तो एकदम बिल्कुल आसान है कामों की तुलना के आधार पे। अगर इसमें भी दिक्कत है तो आप लोग वहाँ पर ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करना कि सर वो क्वेश्चन हमसे नहीं बना, मैं वहाँ पर उस क्वेश्चन को भी मैं देख लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, क्वेश्चन नंबर 4, एक खाली टैंक पाइप ए द्वारा 4 घंटे तथा पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा जाते हैं, क्या बात है। इसके बाद देखें कितना बड़ा क्वेश्चन वहां पर, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये 4 घंटे में अगर भरेंगे बी 6 घंटे में भरेंगे, अगर ये 4 घंटे में भरेंगे बी 6 घंटे में भरेंगे, यदि दोनों पाइप ए से प्रारंभ करके बारी बारी से एक एक घंटे लिए खोले जाएं तो टैंक कितने समय में भरेगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर ये 4 घंटे में भरते हैं बी 6 घंटे में भरते हैं, अगर दोनों को अगर एलसीएम लें, मैं 12 मैं बहुत ही बेसिक लेवल में वहाँ पर टाइम इन वर्क में वहाँ पर मैं बता चुका हूँ बारी बारी वाला, ये वहाँ पर 4 घंटे में भरेंगे बी वहाँ पर 6 घंटे में भरेंगे, टोटल वहाँ पर क्षमता 12 होगा, 4 + 12 इनकी कैपेसिटी 3 होगी और इनकी कैपेसिटी 2 होगी, ये बहुत चिल्ला रहे हैं, इनको इंक पिलाना पड़ेगा, पहले देख लीजिए। अगर यहाँ पर इनकी क्षमता 3 है इनकी क्षमता 2 है तो यहाँ पर देखा जाए, क्वेश्चन पहले यहाँ पर ये कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बारी बार के ये प्रारंभ में खोला गया, मतलब ये पहले बार में खुल रहा है, तो पहला बार में भाई 3 लीटर पानी जा रहा है, ये यहाँ पर है काम और ये यहाँ पर समय है, कभी काटने वाला वहाँ पर ये सिस्टम ना हो जाए कि भाई 4 यहाँ पर आया 2 आया 2 से 2 काट, कभी काट नहीं सकते क्योंकि ऊपर वाला काम है नीचे वाला समय है। ये 3 लीटर पानी भरा जा रहा है यहाँ पर कितने में, घंटे में है क्या, हाँ घंटे में है, और यहाँ पर ये 2 लीटर पानी भरा जाएगा, ये भी 1 घंटे में भरा जाएगा,
तो मैंने टाइम एंड वर्क में बताया था कि भाई कि अगर ए एक दिन में तीन काम करेंगे, बी एक दिन में अगर दो काम करेंगे, तो इन कंडीशन में देखा जाए सबसे पहले हमको दो दिन का काम निकालना है। दो दिन का काम हमारा निकल गया 5/2, मत कहने का मतलब 5/2 ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, मतलब 5 लीटर पानी जा रहा है वो भी कितने घंटे में, 2 घंटे में जा रहा है। तो इन दो दिनों के काम से हम लोग वहाँ पर टोटल 12 को डिवाइड करना है। तो देखा जाए कि 5 × 10 होगा, दो बार चलेगा, तो यहाँ पर देखा जाए कि जब दो बार चलेगा तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर, मतलब इंटू करेंगे, 2 से इंटू करेंगे, तो यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए कि 10 लीटर पानी जा चुका है और वो भी समय लगा है यहाँ पर 4। ऐसा कभी बेवकूफ़ी मत कीजिएगा कि 2 से 2 को काट दीजिएगा। मैंने टाइम एंड वर्क में भी ये कॉन्सेप्ट को बताया था और मना किया था कि कभी भी इन कंडीशन में कभी काटा नहीं जा सकता है, क्योंकि ऊपर वाला काम है और नीचे वाला समय है। मतलब 10 लीटर पानी जा चुका है और समय लगा है 4 घंटा। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि अब यहाँ पर 2 लीटर बचा है, क्योंकि टोटल कैपेसिटी यहाँ पर जो टंकी की है वो 12 है, और वो जो भरेंगे कौन, ए, क्योंकि स्टार्ट यहाँ पर ये कर रहे हैं, पुनः वहाँ पर स्टार्ट ए ही करेंगे, मतलब 2 लीटर और यहाँ पर भरना है और वो भरेंगे ए, और ये की क्षमता 3 है, भरना है 2 ही, समय लगेगा 2/3। इसको फिर वहाँ पर आप लोग ना बोलें कि सर ए कैसे आया, क्योंकि टाइम एंड वर्क में इतने जानदार तरीके से मैं बताया हूँ कि आपको वहाँ पर पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिए, तब तक मैं इसको इंक मार्कर को मैं देता हूँ, बहुत बेचारा चिल्ला रहा है, जल्दी देख लीजिएगा। एकदम बढ़िया से देखिए बच्चों, सब कुछ बढ़िया बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, तब तक मैं अपना कंप्यूटर को भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है, एकदम चेक कीजिए तब तक। बस आप ही लोगों के लिए वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि बस अकेला हूँ बच्चों, सब कुछ हमें ही देखना पड़ रहा है। थोड़ा कहीं कहीं आपको अनकम्फर्टेबल फील होगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टाफ होते हैं तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अकेला मैं सब कुछ हूँ, मुझे ही देखना पड़ रहा है कि सिस्टम वहाँ पर अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप लोगों के लिए वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट बच्चों। हाँ सर बताइए। सर आप ही, हाँ हाँ वो सर वीडियो में शूट कर रहा हूँ, ठीक है सर। मैं अभी हम लोग अपने लीफो वाला ही वीडियो शूट कर रहे हैं सर, थोड़ा अभी मैं शूट में हूँ। ओके ठीक है बच्चों, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ अकेले संभालना पड़ता है, मैं क्या बताऊं, दिक्कत यही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए, ये बिल्कुल आसान वाला सवाल मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 भी है, ये भी तो एकदम आसान है, लेकिन देख लीजिए कहीं कहीं आपको लगता है कि मैं आसान बोल रहा हूँ, मेरे लिए आसान है, आपके लिए आसान नहीं हो सकता है। अब भैया तुम आवाज़ मत करना मार्कर को मैं इंक पिलाया हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अब बेचारा आवाज़ नहीं करेगा, ये भूखा हो जाता है ना, तो इनको इंक देना पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 6 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ए तथा बी एक हौज को 3 घंटे 5 घंटे में भरते हैं। अगर ये यहाँ पर 3 घंटे में भरते हैं और बी यहाँ पर 5 घंटे में भरते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन वहाँ पर कहता कि उसे नल सी 2 घंटे में खाली कर सकता है, मतलब सी यहाँ पर खाली करने वाले हैं, वो 2 घंटे में खाली करते हैं। ये भरने वाला है, ये भी भरने वाला है, ये भी खाली करने वाला है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि तदनुसार अगर तीनों नल चालू रहें, अगर तीनों नलों को एक साथ अगर खोल दिया जाए तो वहाँ पर होगा कि वह पूरा हौज कितने घंटे में भर जाएगा। अगर देखा जाए कि यहाँ पर ये 3 घंटे में भर रहे हैं, ये 5 घंटे में भर रहे हैं, ये 2 घंटे में खाली कर रहे हैं, ये खाली करने वाला है, तो 3, 5, 15, 2, 30 इसका एलसीएम जो होगा बच्चों कितना होगा, 30 होगा। मतलब टैंक की जो कैपेसिटी होगी वह 30 होगा, मतलब यहाँ पर इनका जो कैपेसिटी होगा भरने वाला का 5 भरेगा, यहाँ पर इनकी भी भरने वाला है इनकी जो वहाँ पर कैपेसिटी होगी 6 भरेगा, लेकिन यह खाली करने वाला बहुत ही भयंकर है, जो खाली जो कर रहा है वह 15 लीटर वहाँ पर खाली कर रहा है, क्योंकि 2 से अगर 30 को भागा देंगे तो 15 लीटर वहाँ पर खाली कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि यदि तीनों को अगर खोल दिया जाए तो वह पूरा हौज कितने घंटों में भर जाएगा। 3, 5, 2 हम लोग लिए हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, 3, 5, 2 है, एलसीएम लेंगे 3, 5, 2 का 30। क्वेश्चन यहाँ पर गलत शायद लिख रहा है, वह कितने घंटों में भर जाएगा, मुझे लगता है कि नहीं भर सकता है, कभी नहीं भर सकता है। पहला ऑप्शन है कि नहीं भर सकता है इस तरह, क्योंकि अगर दोनों नल को अगर खोला जाए तो वहाँ पर 11 लीटर पानी जाएगा और यहाँ पर 15 लीटर खाली हो रहा है। इस मतलब से यहाँ पर ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर जब तीनों नलों को खोलेंगे तो 4 लीटर पानी वहाँ पर खाली होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर ये कह रहा है कि नहीं भर सकता है, मतलब नल कभी भी नहीं भरा जा सकता है, ये यहाँ पर स्पष्ट है बच्चों, कभी भी नल नहीं भरा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब तीनों नलों को अगर खोलेंगे तो वहाँ पर 4 खाली होगा। यहाँ पर क्वेश्चन अगर कहता कि कितने देर में खाली होगा तो 30 को हम लोग 4 से भागा देते हैं तो वहाँ पर आंसर निकल सकता था, कभी भी वहाँ पर भरा नहीं जा सकता है, जब भी होगा वहाँ पर खाली होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह कैसे हैं आप लोग वहाँ पर आराम से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों। दो पाइप का और खा किसी टैंक को वहाँ पर क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। का जो है भरने वाला है वह 36 मिनट में भरते हैं और खा भी वहाँ पर भरने वाले हैं जो 45 मिनट में वहाँ पर भरते हैं, और यहाँ पर कहता है कि अन्य पाइप ग टैंक को ढंकी लिखा है, ढंकी नहीं टंकी होगा, वहाँ पे टाइप वाले का मिस्टेक है, वहाँ पर टंकी होगा, टंकी को 30 मिनट में खाली होगा। ग मतलब ग जो है बच्चों वह खाली करने वाला है, नेगेटिव लगा देते हैं और वह कितना 30 मिनट में खाली कर देंगे। कभी कभी टाइपिंग का भी मिस्टेक होता है ना, वो यहाँ पर मामला फंस रहा है, लिख दिया ढंकी, कभी नहीं गलत बात। 36, 45, 30 का एलसीएम लेंगे तो वहाँ पर 90 तो होगा नहीं, एलसीएम होगा 180, ठीक है। अगर कहीं एलसीएम में दिक्कत हो तो आप लोग वहाँ पर काट के आराम से निकाल सकते हैं, एलसीएम होगा 180, मतलब टैंक की जो कैपेसिटी होगी वह 180 लीटर होगा। 36 से अगर 180 को भागा देंगे तो वहाँ पर 5 भरने वाला होगा, ये 5 भरेंगे, 45 से करेंगे तो यहाँ पर 4 भरा जाएगा, और 30 अगर खाली करने वाला तो यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर 6 खाली होगा बच्चों। यहाँ पर देखा जाए कि अगर 5 लीटर यहाँ भरा जा रहा है, यहाँ पर 4 लीटर भरा जाएगा,
और यहाँ पर 6 लीटर खाली होगा। तो इन कंडीशन में क्वेश्चन कहता है क ख को खोला जाता है उसके 7 मिनट बाद ग को भी खोल दिया जाता है, क्या बात है। क और ख को अगर खोला जाएगा तो क और ख को खोला जाएगा तो ये दोनों भरने वाले हैं, तो जब इन दोनों को खोलिएगा तो ये 9 लीटर पानी देगा, और अगर 7 मिनट तक खोलिएगा तो 7 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर 9 × 7 63 लीटर पानी यहाँ पर ये देंगे। अगर टोटल वहाँ पर देखा जाए कि 180 लीटर है, अगर उनमें से अगर 63 लीटर पानी चला गया तो वहाँ पर शेष जो बचेगा वह 117 लीटर वहाँ पर बच रहा है। कि टोटल यहाँ पर देखिए कि 5 और 4 अगर एक का और ख को अगर खोला गया तो वहाँ पर 9 लीटर पानी देगा, मतलब 9 लीटर अगर जाता है। अगर 7 मिनट तक अगर खोला जाएगा तो वहाँ पर 63 लीटर पानी देगा, मतलब 180 लीटर में जब 63 लीटर पानी चला गया तो शेष वहाँ पर जो पानी बचेगा वह वहाँ पर 117 लीटर बचेगा, सॉरी 117 लीटर बचेगा। अब क्वेश्चन कहता है कि उसके 7 मिनट के बाद ग को भी खोल दिया गया, मतलब अब देखा जाए कि 7 मिनट के बाद 5 लीटर और 4 लीटर 9 लीटर पानी जा रहा है लेकिन यहाँ पर 6 लीटर पानी निकल जा रहा है। दैट मीन्स जब वहाँ पर 7 मिनट के बाद होगा तो टैंक में जो पानी जाएगा वह 3 लीटर ही पानी जाएगा, क्योंकि भरने वाला वहाँ पर 5 और 4 9 भर दे रहा है और यहाँ पर 6 खाली हो रहा है। इन कंडीशन में टैंक में जो पानी जाएगा वह 3 लीटर ही जाएगा बच्चों। और जब वहाँ पर 3 लीटर पानी जाएगा और टोटल अगर देखा जाए कि 117 लीटर जा रहा है, क्वेश्चन कहता है फिर से यहाँ पर लिखा ढंकी, ढंकी नहीं होगा टंकी होगा, ठीक है मुझे भी हंसी आती है, टंकी कितने मिनट में भरेगी। तो इन कंडीशन में यहाँ पर देखा जाए कि जब यहाँ पर इन दोनों नलों को क और ख को खोला गया 9 लीटर पानी गया, ग यहाँ पर निकासी कर रहा है तो 3 वहाँ पर जा रहा है, 3 से अगर वहाँ पर 117 को भागा देंगे टोटल यहाँ पर 39 मिनट होगा। क्वेश्चन अगर इन कंडीशन में यहाँ पर आंसर होगा कि इन कंडीशन में शेष वहाँ पर जो बचा टंकी है वह 39 वहाँ पर मिनट है में खाली हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है कितने मिनट में भरेगी, मतलब 39 मिनट में भर जाएगी। अगर यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि कुल टंकी कुल समय जो होगा तो इन कंडीशन में 39 और 7 को हम लोग प्लस कर देंगे, 39 और 7 जो होगा बच्चों वह 46 होगा, मतलब 46 मिनट में टोटल जो टाइम लगेगा वह 46 मिनट यहाँ पर होगा बच्चों। चलिए बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, आपका क्वेश्चन वहाँ पर था बच्चों टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 8 था। अब अगले क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, एकदम ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बढ़िया बहुत सुपर सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर यह है बच्चों कि एक टंकी में 2 पाइप ए और बी लगे हैं, ए उसे 20 मिनट में भर सकता है और बी उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। मतलब यहाँ पर ए 20 मिनट में भर सकता है और जो बी है वह 30 मिनट में खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला है, एकदम ध्यान से देखिएगा। ये 20 मिनट में भर सकते हैं और बी 30 मिनट में खाली कर सकते हैं। ओह माय गॉड, पता नहीं क्या प्रॉब्लम, कुछ हुआ होगा नाक में कुछ पड़ा होगा। ये यहाँ पर 20 मिनट में भर सकते हैं, बी यहाँ पर 30 मिनट में खाली कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है 20-30 का अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर जो टोटल टैंक की जो कैपेसिटी होगा बच्चों वो 60 होगा, कहने मतलब देखिए यहाँ पर बी जो है यहाँ पर 3 लीटर पानी भरते हैं लेकिन यहाँ पर ये जो है वो 2 लीटर पानी निकालते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये है भरने वाला नल को प्लस में रखेंगे, निकासी नल को माइनस में रखेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। तो भरने वाला नल यहाँ पर प्लस में होगा, निकासी नल यहाँ पर माइनस में होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि अगर ए और बी को एकांतर क्रम में
एक एक मिनट के लिए खुला रखा जाए। ये बंदर वाला कहानी हो गया जो रीजनिंग में आता है, ऊपर चढ़ना नीचे फिसलना। आप लोग रीजनिंग में पढ़े होंगे ना, एक मिनट में वहाँ पर 10 मीटर ऊपर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 5 मीटर नीचे या तो 4 मीटर नीचे फिसलता है, ये कॉन्सेप्ट है। तो जब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन को देखिएगा कि भाई पहला मिनट में अगर यहाँ पर 3 मीटर अगर भर रहे हैं, दूसरा मिनट में 2 मीटर नीचे यहाँ पर मतलब 2 लीटर यहाँ पर नीचे पानी निकल रहा है, तो यहाँ पर कहता है कि जब दोनों को एकांतर क्रम में खोला जाए। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा, इसके पहले भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जब दोनों भरने वाला होता था तो दोनों का वहाँ पर निकालते थे, फिर दोनों का वहाँ पर जो 2 घंटे या 2 मिनट या 2 दिन का वहाँ पर जो कैपेसिटी दिया रहता था उनसे टोटल को हम लोग डिवाइड करते थे। लेकिन यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लगेगा, कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा लगेगा, जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगर देखा जाए कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है से एक एक मिनट के लिए खुला रखा जाए तो टंकी कितने देर में, अगर मान लीजिए अगर हम सबसे पहला मिनट में भरने वाला को अगर खोल दें तो वह 3 लीटर पानी भर देगा, और दूसरा अगर निकासी नल को अगर खोल दें तो वह 2 लीटर पानी निकाल देगा। अगर देखा जाए बच्चों कि यहाँ पर इन कंडीशन में अगर 3 लीटर पानी भरा जा रहा है, 2 लीटर वहाँ पर निकल रहा है, तो इन कंडीशन में वहाँ पर स्पष्ट रूप से पता चलता है भाई कि अगर एक मिनट है कि घंटे है, मिनट है, अगर यहाँ पर देखते हैं कि मिनट में अगर यहाँ पर पहला मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा है, दूसरे मिनट में 2 लीटर पानी निकल रहा है, तो टोटल 1 लीटर पानी जा रहा है वो कितने 2 मिनट में जा रहा है। ये यहाँ पर देखिए कि काम है ऊपर वाला और नीचे वाला समय है, कभी डिवाइड मत करना बच्चों। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आते हैं तो मैं सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक वाला वहाँ पर मैं जो बताता हूँ फॉर्मेट, वो ध्यान रखिएगा, उसको यहाँ पर याद रखिएगा। अपवर्त मतलब कितना से वहाँ पे करना है, अपवर्त मतलब कितना से मल्टीप्लाइड करना है, और अपवर्त इक्वल टू टोटल देखिएगा जो टोटल कैपेसिटी होगा उनको आप लोग लीजिएगा, जैसे 60 है तो 60 को हम लोग लेंगे, और सबसे पहले अगर भरने की जो क्षमता होगी उसमें उसको हम लोग माइनस करेंगे 3, डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो भरने वाली जो होगी वहाँ पर 3 होगा और जो निकासी होगा वो 2 होगा, मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस करेंगे वह 3 माइनस 2 करेंगे। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है बच्चों, यही आपको ध्यान रखना है कि ये जो अपवर्त है आगे आपको जाके पता चलेगा कि ये कितना बड़ा वहाँ पर फॉर्मेट को काम करेगा, मतलब कितना से हमको गुना करना है। जैसे वहाँ पर दोनों भरने वाला रहता तो डायरेक्टली वहाँ पर दोनों से अगर डिवाइड कर देते दोनों की वहाँ पर टोटल से, तो जो निकलता भागफल उनसे डायरेक्टली मल्टीप्लाइड कर देते, लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि एक भर रहा है एक खाली हो रहा है, तो इन कंडीशन में आपको ये चीज़ निकालना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों। तो अपवर्त इक्वल टू देखा जाए कि यहाँ पर जो टोटल टैंक की जो कैपेसिटी होगी 60 है, 60 को हम लोग लिए हैं, भरने वाली की जो होगी कैपेसिटी वो 3 माइनस करेंगे, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग माइनस करेंगे। अब देखा जाए कि टोटल यहाँ पर 57 यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा 1, यहाँ पर टोटल 57 मिलेगा और यहाँ पे 1। अब देखा जाए भाई कि अगर 57 मिल रहा है तो आराम से हम लोग 57 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कहने का मतलब है कि 57 लीटर टैंक में पानी जा चुका है और समय जो लगा है इन कंडीशन में दोनों से जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो वहाँ पर 114 होगा, 57 गुने 2 करेंगे बच्चों तो वहाँ पर 114 होगा।
लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए जो टैंक की कैपेसिटी वो 60 लीटर है, दैट मीन्स यहाँ पर एक भर रहा है एक निकाल रहा है, तो वहाँ पर 57 के बाद जो बारी होगा वह इनका होगा, भरने वाला का होगा। यहीं पर सभी बच्चे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि बारी जो होगा वो किनका होगा। तो प्यारे बच्चों, जो स्टार्ट करता है वही वहाँ पर पुनः स्टार्ट करेगा, क्योंकि 57 इन कंडीशन में, क्योंकि वहाँ पर देखा जाए कि तीन भरेगा दो खाली करेगा, तीन भरेगा दो खाली करेगा, तीन भरेगा दो खाली करेगा, यह कंडीशन चलते चलते यहाँ पर देखा जाए कि तीन भरेगा दो खाली, तो यहाँ पर एक लीटर जा रहा है वो दो कितने में, मिनट में है। तो इन कंडीशन में मतलब देखा जाए कि अगर जो बारी होगा वह भरने वाला का होगा, और भरने वाला यहाँ पर तीन लीटर भर देगा, और समय इनका भरने की कैपेसिटी यहाँ पर तीन लीटर है और इनको तीन लीटर ही चाहिए और समय लगेगा एक, मतलब यहाँ पर इसका आंसर होगा बच्चों 115। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों 115। कहीं भी किसी बच्चे का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा क्वेश्चन टाइम लिया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब है। ठीक है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस में भी आपको इस क्वेश्चन आएंगे। जब बंदर वहाँ पर चढ़ेगा, फिर फिसलेगा, छिपकली ऊपर चढ़ेगी, खरगोश ऊपर चढ़ेंगे, तो इन कंडीशन में क्वेश्चन वहाँ पर ये भी आएगा। तो यहाँ पर इस बात में आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आया होगा। तो इस तरीके क्वेश्चन को चलिए स्क्रीनशॉट आउट लीजिए। बहुत बढ़िया सवाल ये है, ठीक है, लाजवाब, सबसे बढ़िया सवाल आज मिला है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है अपवर्थ निकालने में, जो मैंने आपको बताया बच्चों। एकदम बढ़िया से पढ़िए, मज़े से पढ़िए, बेहतर तरीके से पढ़िए और लाजवाब तरीके से पढ़िए, कहीं भी कुछ भी नहीं छूटेगा बच्चों। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला सवाल हम लोग का यहाँ पर ये है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, 10 नंबर तो आराम से बनेगा, ये भी बन जाएगा। देख, क्वेश्चन नंबर 12 है, जो एकदम यही क्वेश्चन यहाँ पर जो मैंने अभी बताया तुरंत, बस उसी का एकदम आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, जो एक बार मैं पहले भी करवाया था। ये एक टैंक को 4 घंटे में भरते हैं, अगर यहाँ पर ये जो है वो 4 घंटे में भरेंगे और बी उसे 6 घंटे में भरते हैं, और बी उसे 6 घंटे में भरते हैं, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे बच्चों, यहाँ पर होगा कितना, 12, 4 3 12, 6 2 12, मतलब यहाँ पर इनकी जो क्षमता है वो 3 है, इनकी क्षमता जो है वो 2 है, ये 3 लीटर पानी भरेंगे, ये 2 लीटर पानी भरेंगे, यहाँ पर ये कह रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि उन्हें एक एक घंटा बारी बारी से खोला जाए, अगर उन्हें बारी बारी से खोला जाए, और क्वेश्चन कहता है कि पाइप ए को पहले खोला जाता है, मतलब सबसे पहले वहाँ पर पाइप ए को खोला जाएगा, मतलब पहले यहाँ पर घंटे में अगर वहाँ पर 3 लीटर पानी जाएगा, दूसरे घंटे में वहाँ पर 2 लीटर पानी जाएगा, तो टोटल देखा जाए कि यहाँ पर 5 घंटे में 2 लीटर वहाँ पर पानी जाएगा। यहाँ पर पहले घंटे में 3 लीटर पानी जाएगा, दूसरे घंटे में अगर 2 लीटर पानी जाएगा, मतलब टोटल 2 घंटे में 5 लीटर पानी जाएगा। तो ये टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है। तो 5 से मैंने बोला था भाई कि 12 को भागा दे दीजिए, 2 बार चलेगा 10 होगा, तो हमको 2 से मतलब है और शेष यहाँ पर बच रहा है 2, इससे भी मतलब है कि अगर यहाँ पर अगर 2 से अगर मल्टीप्लाइड कर दें, देखिए अगर 2 से मल्टीप्लाइड करते हैं, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाइड होगा, मतलब 10 लीटर पानी चला गया है, वो 2 दुनी 4 घंटे में गया है।
और टोटल टैंक की कैपेसिटी 12 है, 10 लीटर पानी जा चुका है, तो यहाँ पर 2 लीटर पानी और जाएगा, है ना। परफेक्टली ध्यान से देखिए, क्योंकि टोटल अगर वहाँ पर 12 लीटर पानी जाना है और 10 लीटर पानी जा चुका है, और अब जो भरेगा वो उनकी बारी ए की होगी, क्योंकि ए ने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर देखा जाए कि अगर यहाँ पर 2 लीटर और भरेगा तो वहाँ पर टोटल टैंक हो जाएगा फुल, लेकिन यहाँ पर देखा जाए वो जो भरेंगे वो किन्होंने भरेंगे, ए ने भरेंगे, लेकिन ए की कैपेसिटी भरने की है 3। तो यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चों कि भरेंगे यहाँ पर ये, तो इन कंडीशन में जो यहाँ पर टाइम होगा, तो यहाँ पर इनकी कैपेसिटी 3 है लेकिन भरना है 2, तो समय लगेगा 2/3, तो मतलब यहाँ पर जो समय होगा इसका आंसर होगा 4 सही 2/3 बच्चों। तो इनका आंसर होगा 4 सही 2/3, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तेरह आसान है, 14 भी देखते हैं। चलिए 14 बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। एक नल किसी खाली टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। भाई कितना बढ़िया सवाल है, ये जो है वो 12 घंटे में भर सकते हैं। एक अन्य नल आधे भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। क्वेश्चन कितना बढ़िया घुमाया, देखिए आधा टंकी भरा हुआ है उसको वह 10 घंटे में खाली कर सकता है। भैया जब आधा टंकी को आप अगर 10 घंटे में खाली करोगे तो जाहिर सी बात है कि पूरा टंकी को आप 20 घंटे में खाली करोगे। इस बात से आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं, कि वहाँ पर दूसरा नल जो कह रहा है कि भाई अगर वहाँ पर एक अन्य नल आधे भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है, अगर आधा वह टैंक भरा है और उसको अगर आप 10 घंटे में खाली कर सकते हैं, तो पूरी टंकी को वहाँ पर 10 नहीं 20 घंटे में खाली करेंगे। तो बी के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। अगर वहाँ पर 10 घंटे में आधा खाली करेगा, टोटल खाली करने में जो लगेगा वो 20 लगेगा, 12 20 का एलसीएम होगा बच्चों 60। यहाँ पर देखा जाए कि इनकी क्षमता 5 होगी, लेकिन ये निकासी है, इनकी क्षमता 3 होगी। टोटल अगर देखा जाए बच्चों, यहाँ पर देखिएगा ये निकासी होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कहता है कि यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं, यदि दोनों नल को अगर एक साथ अगर हम लोग खोल देते हैं, तो क्वेश्चन कहता है यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी खाली टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा। पूरा नहीं भरना है, पूरा वहाँ पर टंकी के कैपेसिटी 60 है, हमको आधा भरना है। भाई अगर आधा भरना है तो आधा वहाँ पर 30 लीटर होगा, और जब दोनों को खोलेंगे अगर 5 भरा जाएगा 3 खाली होगा, तो यहाँ पर 2 ही लीटर वहाँ पर टंक में पानी जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर वहाँ पर 5 भरा जा रहा है 3 खाली हो रहा है, तो इन कंडीशन में वहाँ पर 2 ही पानी जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि अगर हमको वहाँ पर आधा ही भरना है, 60 में से अगर हमको आधा भरना है, मतलब 30 लीटर ही भरना है, तो इन कंडीशन में जब दोनों को खोलेंगे, ये 5 भरेंगे ये 3 खाली करेंगे, तो यहाँ पर 2 ही जाएगा। तो इन कंडीशन में देखा जाए 2 से अगर भागा देंगे बच्चों, तो यहाँ पर 15 आंसर होगा। तो जो यहाँ पर आंसर है बच्चों, वहाँ पर 15 घंटा इनका आंसर होगा। प्यारे बच्चों, ये हम लोग का सबसे पाइप एंड टंकी का सबसे पहला वीडियो है, और ये पेड़ वाले बच्चे लोगों के लिए है। जो भी बच्चे लोग वहाँ पर पेड़ में इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों को मैंने बताया है, ठीक है। मैं एक बार मैं फिर से मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं कभी अपना ऐड नहीं करना चाहता हूँ। मैं जब मैं पढ़ाने स्टार्ट किया तो मैं पूरी तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर जो बच्चे वहाँ पर पेड कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पर आराम से देखें, नहीं तो बाकी लोग वहाँ पर आलोचना वाले तो बहुत सारे मिलते हैं,
कितनों भी अच्छे आदमी मिल जाए, आलोचना तो उनका होना ही होना है, ठीक है। तो जो भी बच्चे लोग वहाँ पर पेड के लिए वहाँ पर अगर इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोगों के लिए मैं एक बात बता दूँ, ये मेरा पर्सनल नंबर है, AK शाह सर का नंबर पर्सनल है, इन पे आप लोग कॉल मत कीजिएगा। मैं पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, लेकिन इन पे आप लोग कॉल कभी नहीं करेंगे, ओनली क्या करेंगे, टैक्स मैसेज करेंगे। अगर कुछ भी जानकारी हो तो आप लोग मुझे वहाँ पर टैक्स मैसेज करेंगे, या तो मेल आईडी तो बहुत लंबी होती है, ठीक है, जैसे मैं वहाँ पर मेल आईडी में अधिक से बात करता हूँ, दो ही चीज़ में बात करता हूँ, कॉल पे बहुत अधिक कम बात करता हूँ, एक में केवल कॉल पे अपने पापा से बात करता हूँ, दूसरा अपने बच्चे से बात करता हूँ, ठीक है, अपने फैमिली वाले, और वो भी बहुत शॉर्ट में बात करता हूँ, मेरी आदत यही है, बात करने से कोई मतलब नहीं है, हाय हेलो बाय और सब कैसे हैं, सब बढ़िया हैं, ये सब कुछ वहाँ पर यही है कि नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो भाई मैं बार बार यही बताता हूँ, फ़ोन रखने से बड़ी बहादुरी नहीं है, आप फ़ोन रख लेते हैं, हाय हेलो में इतना समय बर्बाद करते हैं, व्हाट्सएप पे समय बर्बाद, देखिए मैं भी व्हाट्सएप यूज करता हूँ, यहाँ पर जो भी बच्चे लोग वहाँ पर वीडियो देखते हैं उनका सॉल्यूशन मैं देखता हूँ, उनके क्वेश्चन को मैं देखता हूँ, लेकिन वो यूज है, मिसयूज नहीं, और वो भी एक मिनट लगता है। अगर आप इन्हीं को अगर मिसयूज करेंगे तो मैं सच्ची बात बता रहा हूँ बच्चों, आप लोग खुद वहाँ पर जानिए कि 5,20,000 बच्चे जुड़े हैं, अगर उनमें से कम 10% भी निकाल लीजिए तो 50,000 होता है, उनमें से 10% भी निकाल लीजिए 5,000 होता है। क्या मैं 5,000 बच्चे का रोज में व्हाट्सअप चेक कर सकता हूँ, मतलब वहाँ पर उनका 1% भी अगर मैं व्हाट्सअप चेक कर पाऊँगा, कभी नहीं चेक कर पाऊँगा क्या। तो इसीलिए सभी बच्चे लोग, कुछ बच्चे लोग आप लोग नाराज़ रहते हैं कि सर आप, मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, प्यारे बच्चों मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपके वहाँ पर व्हाट्सएप को देखूँ, मुझे आप लोग सही समय दीजिए पढ़ाने का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आगे के लिए हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी इंडिपेंडेंट डे, आप लोगों से पुनः मुलाकात करता हूँ अगले क्लासेस में, ओके बच्चों, गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत से पढ़िए, जुनून से पढ़िए, एक जानदार तरीके से पढ़िए, मेरे तरह जुनूनदायक बनिए और मज़े से रहिए, ठीक है, एकदम बिल्कुल।